नमस्कार, मैं अन्वेषा शुक्ला दिल्ली पब्लिक स्कूल कक्षा 5वीं ई की छात्रा हूँ। आज मैं आपको स्वयं रचित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है किसान की बेटियाँ। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान अपनी 3 बेटियों और अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम था अहिल्या, दूसरी थी सुनीता और तीसरी नमिता। किसान बहुत बूढ़ा था, इसी कारण वह खेत में अधिक देर तक काम नहीं कर सकता था और बहुत जल्द ही थक जाता था। शारदा और उसकी 3 बेटियां कभी कभार उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन किसान को लगा कि अब उसे घर और खेत का कारोबार अपनी किसी बेटी को सौंपना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कारोबार किसे सौंपे। घर जाकर उसने शारदा को पुकारते हुए कहा, सुनो शारदा, चलो कमरे में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शारदा ने रसोई से उत्तर दिया, आती हूँ। शारदा फिर कमरे में गई। किसान ने शारदा से कहा, शारदा मैं चाहता हूँ अपने खेत और घर का कारोबार अपनी किसी बेटी को सौंप दूं और मुक्त हो जाऊं, लेकिन मैं किसे सौंपूं, 3 ही बड़ी चतुर हैं। शारदा ने किसान को कहा, सुनिए, मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। फिर उसने किसान के कान में कुछ फुसफुसाया। अगले दिन किसान ने शारदा के बताए अनुसार ही काम किया। उसने 3 को बुलाया। लड़कियों, 3 दौड़ी आई। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया क्या, नमिता ने पूछा। किसान ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें एक एक थैलियां दे रहा हूँ जिसमें कच्चे आम हैं। तुम्हें ये थैलियां 6 महीने बाद मुझे वापस लौटानी है। जी पिताजी, 3 ने एक स्वर में उत्तर दिया। अपने अपने कमरे में अपनी थैलियां लेकर वो सब चली गईं। उसके बाद 6 महीने बहुत ही जल्द बीत गए। नमिता ने तो आम अपने बगीचे में लगा लिए थे और वे सारे 6 महीने बाद छोटे छोटे पौधों में बदल गए थे। सुनीता, जो कि मंझली बेटी थी, उसने आम बेच दिए थे। कहाँ, बाजार में। उसने बाजार में आम बेच दिए और उनके बदले 200 रुपए ले आई। फिर जब वापस लेने गई तो देखा कि 6 महीने बाद तो आम का दाम 4 गुना हो गया है। बेचारी इतने पैसे कहाँ से लाती। और अहिल्या, वो सोची कि कच्चे आम पक जाएंगे फिर मैं इन्हें खा लूंगी, और उसने आम पकने के बाद उन्हें खा लिए और आम सारे समाप्त हो गए। 3 ने अपने अपने कर्तव्य अपने पिताजी को बताए। किसान ने सबकी बात ध्यान से सुनी और बहुत सोच विचार के बाद रात के खाने के समय उसने ये घोषणा कर दी कि घर की देखभाल और खेत और घर का कारोबार नमिता को करना होगा। अब घर का कारोबार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। धन्यवाद।